एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर SOL के एग्ज़ाम की, NCERT के एग्ज़ाम की, DU के एग्ज़ाम की सभी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आज मैं हम आज करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बात हम जान लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। पहला है बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, मतलब कौन सी इनकम है जिसको हम चार्ज करेंगे इस हेड के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, उनको हम पहचानेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड थिंग है आपकी जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसके ऊपर आते हैं, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, उसको हम बोलते हैं कैजुअल इनकम। ठीक है, सेक्शन है 56(2)(b) इसका। फिर मेथड ऑफ ग्रॉसिंग ऑफ इनकम, यानी इसका मतलब क्या होता है कि आपका टैक्स कट जाता है, आपको पता हो नहीं है शायद, जो हमारी अदर सोर्सेज की इनकम होती है उस पर TDS कट जाता है ऑलरेडी, तो जो TDS कट गया तो हमें पता कैसे चलेगा इनकम कितनी थी एक्चुअल में, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉसिंग अप, उसको हम ग्रॉस करेंगे, सिखाऊंगा मैं आपको, वो कहलाएगा आपका ग्रॉसिंग अप ऑफ इनकम। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं आपको, यही कि हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, ये चैप्टर है हमारा फर्स्ट। इसके अंदर क्या है आपका, पहले हम बात करेंगे कौन सी इनकम चार्जेबल होंगी हेड के अंदर, और जो मेन आइटम है इसमें फ्रीन फ्रॉम लॉटरी, ऑफर पर्जल, एक्स्ट्रा, उस पर कैसे हमें टैक्स लगाना है, कितना टैक्स लगाना है, और जब TDS कट के हमें इनकम मिलती है तो TDS को वापस जोड़ना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉसिंग अप ऑफ इनकम, वो कैसे करेंगे वो भी सीखना है इसके अंदर। अब कोई मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, इसको हमने हायर परचेज सिस्टम पर दे रखा है, तो उसकी जो इनकम है वो कैसे टैक्सेबल होगी, यहाँ पर टैक्सेबल होगी या PGBP के अंदर, ये हम पढ़ेंगे इसमें। फिर कौन सा डिडक्शन जो हमें अलाउड है सेक्शन 56 के अंदर और 57 के अंदर, वो पढ़ेंगे। फिर एक है फैमिली पेंशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसका कैलकुलेशन का क्वेश्चन हम आज कर लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका। फिर है आपको गिफ्ट मिला, वो भी टैक्सेबल होगा आपका यहाँ पर। शेयर प्रीमियम, ये इसके डिफरेंट केसेस दे रखे हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं चार्जेबिलिटी की, कि टैक्स कैसे लगेगा और कौन कौन टैक्स देगा। ठीक है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है साफ साफ, तो हम बात करेंगे टैक्स पॉइंट से, कैसे कैसे टैक्स लगेगा, कहाँ कहाँ टैक्स लगेगा उसकी हम बात करेंगे। अ रिसीप्ट शैल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ये आपको ध्यान रखना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम टैक्स कब लगाएंगे, जब दो तीन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए। तो पहली कंडीशन क्या है आपकी, इट शैल बी अ टैक्सेबल इनकम, जो आपकी इनकम है वो टैक्सेबल होनी चाहिए। तो सच रिसीप्ट शैल बी टैक्सेबल इनकम, जो हम बात कर रहे हैं जो भी इनकम है वो टैक्सेबल होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सच इनकम डज नॉट स्पेसिफाई या स्पेसिफिकली फॉल अंडर एनी अदर हेड, है ना, जो आपकी अदर हेड है सैलरी है, जैसे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, और कैपिटल गेन है, तो ये इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। मतलब जो इनकम इन हेड में नहीं आएगी वो इनकम यहाँ पर आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, ये दो बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए, कि पहली बात वो इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए, और दूसरी वो किसी अदर हेड ऑफ इनकम में, जैसे कि सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, PGBP है आपका, और कैपिटल गेन है, इसमें से किसी भी हेड में वो नहीं फॉल करनी चाहिए, तो वो यहाँ पर टैक्सेबल होगी, वरना टैक्सेबल नहीं होगी। ये है बात चार्जेबिलिटी की इसकी। अब कौन कौन सी आइटम आइटम ज़्यादातर इसमें चार्जेबल होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है आपका कि फॉलोइंग आइटम्स आर स्पेसिफिकली टैक्सेबल अंडर दिस हेड, ये कहीं भी लिखी हो टैक्सेबल होंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कौन कौन सी आइटम है, नंबर वन डिविडेंड, अगर आपको डिविडेंड मिला है अपने शेयर के ऊपर वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कैजुअल इनकम, जैसे कि लॉटरी से मिल गया, पजल से मिल गया, है ना, जो भी गेम्स कंपटीशन होते हैं वहाँ आपने कोई प्राइज जीत लिया, तो वो इनकम भी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कोई गिफ्ट मिला है आपको वो भी टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगला है आपका शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू, जो शेयर की मार्केट वैल्यू है उससे ज़्यादा कुछ आपको प्रीमियम मिल गया तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये चार अगली हेडिंग है आपकी कंपनसेशन और एनहेंस कंपनसेशन, जो आपको मिला किसी भी एक्विजिशन ऑफ लैंड पे, बिल्डिंग पे, किसी पे भी, वो भी टैक्सेबल होगा यहाँ पर। और सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एडवांस और अदरवाइज इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, ठीक है, आपने किसी कैपिटल एसेट को क्या किया है, आपने ट्रांसफर कर दिया उससे जो आपको मिला। ठीक है, अगर कौन सा अमाउंट, सच सम इज फॉरफिटेड, आपको पता है जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बुक करते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट एडवांस दे देते हैं, अगर वो प्रॉपर्टी हमने बेची नहीं क्योंकि तो वो जिसको पेमेंट करनी थी पेमेंट नहीं कर पाया, जो उसने एडवांस दिया था उसको हम क्या करते हैं अपने पास रख लेते हैं, उसको बोलते हैं फॉरफिटेड। तो अगर ऐसी कोई इनकम है तो वो भी आपकी चार्जेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग पे,
वहाँ क्या बता रहे हैं कि ये इनकम हमें लाई करती है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर, ठीक है, इस हेडिंग में आती है। लेकिन अगर वहाँ पर चार्ज नहीं किया, वहाँ पर आपने टैक्स नहीं दिया इस पे, तो आपको इस इनकम के हेड में यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी कौन सी इनकम है जो वहाँ पर टैक्सेबल नहीं हुई, तो यहाँ टैक्सेबल होगी, ये बता रहा है आपको। तो उसका एग्जाम्पल नंबर वन का एग्जाम्पल है आपके पास, एनी सम रिसीव्ड बाई SSC फ्रॉम हिज एम्प्लॉई एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। कोई फंड मिला है आपको, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं जो एम्प्लॉय का कटता है, वो मिला है आप एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉय से मिला है आपको और आपने उस पर कोई टैक्स नहीं दिया अंडर PGBP प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन, तो वो यहाँ पर आपका टैक्सेबल होगा। ये लाइन का मतलब ये है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, शेयर डिवेंचर, अगर आपने बिजनेस इनकम में इसको काउंट नहीं किया तो यहाँ पर काउंट होगा। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, आपने प्लांट फर्नीचर मशीनरी किराए पे दी है, उस पर जो इनकम हुई वो भी यहाँ पर आएगी अगर आपने उसको PGBP में टैक्सेबल नहीं किया तो। अगर आपका बिजनेस है इस चीज़ का और आपने वहाँ पर टैक्स नहीं दिया तो आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। लास्ट है कंपोजिट रेंट, ठीक है, तो ये सब हम क्या करेंगे चैप्टर के एंड में इन सबको काउंट करेंगे। ये चारों जो आपकी आइटम है ये लाई करेंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपने प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में उसको टैक्स नहीं दिया तो आपको यहाँ देना पड़ेगा। और मैंने बताया कि पांच हेड है, अगर आप चार हेड में टैक्स नहीं दोगे तो पांचवी में फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पर सब आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ये बात है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका नेक्स्ट पॉइंट, एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, अगर PGBP में टैक्स नहीं दिया आपने कीमैन इंश्योरेंस के ऊपर तो क्या हो गया आपका, जो सब मिला एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, आपका जो स्पेशल एम्प्लॉय होता है जो अच्छा काम करता है उसका इंश्योरेंस हम करा लेते हैं, उसको बोलते हैं कि मैंने इंश्योरेंस, तो उसके बदले आपको कुछ पैसा मिला और आपने उस पर टैक्स नहीं दिया अंडर द हेड PGBP में, तो फिर आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब इतना ही छोटा सा, ठीक है। एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू और रिसीवल बाई अ पर्सन इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ इस एम्प्लॉयमेंट, किसी को जॉब से निकाल दिया, ठीक है, अब उसको जो पैसे मिल गए अगर वो PGBP में टैक्सेबल नहीं हुआ तो यहाँ पर टैक्सेबल होगा। जॉब से निकालने पैसे कई बार मिल जाते हैं, हमेशा नहीं मिलते, तो वो जो मिलेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल जाते हैं तो वो यहाँ टैक्सेबल होंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इस लाइन का मतलब इतना सही है। अब ये है नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि ये जो बात कर ली तो चलो टेक्निकल चीज़ें हो गई इसके अंदर, है ना। अब जो मेन पॉइंट है कि ऐसी इनकम जो कंपलसरी इसी में आती है, कहीं और आती नहीं है, ठीक है, ऐसी कौन सी इनकम है जो इसी हेड में आती है, किसी और हेड में नहीं आती, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है PGBP में ये वो, ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो अब कौन सी इनकम जो इसी हेड में आएंगी ही आएंगी, चाहे कुछ भी हो इसी हेड में आएंगी, वो मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए। पहली है आपकी नंबर वन, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्वेश्चन थ्योरी का पार्ट बन जाएगा आपका, कौन कौन सी इनकम चार्जेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, सेक्शन 56(1), 5 नंबर 6 नंबर में आ सकता है ये। तो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका पहला पॉइंट, कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी आपने किराए पर ले रखी है पर आपने किसी और को किराए पर दे दी, किराएदार ने किराए पर दे दी, इसको बोलते हैं सबलेटिंग, ठीक है। तो इनकम आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो चैप्टर का नाम है हमारे। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, आपने एक बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, जो ब्याज मिल रहा है कहाँ पर आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, आपने किसी और कंपनी में पैसे जमा कर रखे हैं तो वहाँ जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी इसी में आएगा। इंटरेस्ट इनकम तो किस में आ रही है आपकी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, ठीक है। अगली पार्ट, रेमुनरेशन फ्रॉम अ पर्सन अदर देन हिज एम्प्लॉयर, आपने क्या किया, कुछ काम किया अपने एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा, खासकर टीचर का लिखा हुआ है देखो इसके अंदर, ये कॉपी चेक करी, उसके कॉपी चेक करने के पैसे मिल गए, तो ना तो आपकी सैलरी इनकम है ना वो बिजनेस इनकम है, वो क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये भी देखो इसके अंदर आ गया। रेंट फ्रॉम अ वैकेंट लैंड, एक लैंड है खाली पड़ा हुआ है, किराया उस पर लिया, तो जो लैंड के ऊपर रेंट है वो कहाँ आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर लैंड एंड बिल्डिंग होता तो आता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, खाली लैंड है कुछ बनानी हुआ उसके ऊपर तो उस पर भी किराया जो मिल रहा है आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस करने का कमीशन मिल गया आपको, यहाँ पर आ गया। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, आपने बताया नहीं कि इनकम कहाँ से हो रही है तो हम मान लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, सोर्स नहीं बताओगे तो। अगर कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, आप में से कुछ लोग ट्यूशन पढ़ाते होंगे तो वो भी टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम प्राइवेट ट्यूशन, वो भी यहाँ पर है इसके अंदर। इनकम टैक्स रिफंड हो गया, आपको टैक्स कटा था वापस मिल गया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपको उस पर इंटरेस्ट मिला है, मैंने बताया इंटरेस्ट जहाँ भी लिखा हुआ आ रहा है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर यानी कि इस चैप्टर में टैक्सेबल है। फैमिली पेंशन हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि उसमें टैक्सेबल होगी, ठीक है, कोई एम्प्लॉय मर गया और उसकी पेंशन उसकी फैमिली मेम्बर को मिल रही है तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, ठीक है। फिर है आपका डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैंने पहले ही बता दिया शुरू में चैप्टर के, डिविडेंड जो भी आपको मिलता है वो इसी में टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर।
डायरेक्टर्स सेटिंग फीस, डायरेक्टर को जो फीस मिल रही है मीटिंग मीटिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है, वो मीटिंग बाई मीटिंग मिलती है, वो भी टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फिर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कई बार कि आप क्या करते हो, जो घोड़े दौड़ते हैं रेस के अंदर वो आप मेंटेन करते हो, उससे जो इनकम होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कोई ट्रेनिंग है, कहीं आप ट्रेनिंग का काम कर रहे हो, जैसे आप सीए कर रहे हो, सीए करते करते मान लो आपको कुछ मिल जाता है, पैसा, तो वो कहता है स्टाइपेंड टू ट्रेनिंग, वो भी टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। और फिर आपका इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जितने भी इंटरेस्ट ने पहले बता दिया सब इसी के अंदर आएंगे, ठीक है, पीएफ के अंदर आपने कोई इंटरेस्ट मिला है आपको इसी में आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो पहली बात अब आ रही है आपके सामने कि चार्ज लगाना है कैसे, तो कैसे लगाना है, बेसिस ऑफ चार्ज क्या होगा इसका। तो इट में बी एक्रुअल बेसिस और कैश बेसिस। आपको पता है अकाउंट के स्टूडेंट हैं आप लोग, आपने पढ़ाई 11वीं के अंदर क्या है आपका जो एक्रुअल बेसिस है वहाँ पर क्या होता है, कैश को हम मान लेते हैं कि कैश मिले या ना मिले हमें कैसे हमारे रिवेन्यू और एक्सपेंस हमारे एक्रू हो गए, ठीक है। हमने अगर गुड्स रिसीव कर लिए तो हमारा एक्सपेंस हो गया, गुड्स सेल कर दिए तो हमारा रिवेन्यू हो गया, हम अज्यूम कर लेते हैं उसको बोलते हैं एक्रुअल बेसिस, चाहे कैश मिले या ना मिले। और जब कैश मिलने पे हम अज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं कैश बेसिस। तो जो भी बेसिस फॉलो कर रहा है असेसी यानी जो टैक्स देने वाला है वो जैसे किताब मेंटेन कर रहा है, एक्रूवल पे कर रहा है तो एक्रूवल पे होगा, और कैश पे करता है तो कैश पे होगा। जो हमारा असेसी फॉलो कर रहा है उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। अगर वो बोलेगा एक्रूवल बेसिस पे तो उसको पैसे मिले या ना मिले हम उस पर टैक्स लगा देंगे, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी इसके अंदर। अब हम जा रहे हैं जो स्पेशल इनकम है जिसको हम बोलते हैं कैजुअल इनकम, है ना, वो इसके अंदर टैक्सेबल होती है। तो कौन कौन सी है स्पेशल इनकम जो मैंने आपको बताया इसी में आएंगी आएंगी। तो पहला है लॉटरीज, लॉटरी आपने ली और सिर्फ इनाम लग गया आपका, यहाँ टैक्स देना पड़ेगा आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। पजल्स खेलते हैं अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर में क्या कंपटीशन भी होता है इसका, जो पैसे मिलेंगे जीतेंगे यहाँ टैक्सेबल होंगे। रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, आपको रेस लगाने में जो पैसे मिले और जो घोड़ दौड़ होती है वो उसका जो आपने कुछ इनाम कमा लिया वो भी यहाँ टैक्सेबल होगा आपका। कोई गैम्बलिंग कर रहा है, जुआ खेल रहा है, हालांकि इलीगल इनकम है सारी की सारी, ये सारी की सारी इलीगल इनकम है गैम्बलिंग और बेटिंग की, लेकिन टैक्स वाले बोलते हैं भैया इनकम कहीं से भी आपको आ रही है, चाहे इलीगल है इलीगल है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है टैक्स से। तो गैम्बलिंग और बेटिंग ये दोनों अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर, तो यस पे टैक्स लगे, लेकिन फिर भी टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर है आपका कार्ड गेम्स, वही जुआ खेलना इसको बोलते हैं, तो ये भी भाई आपका इसी में आता है। और कोई टेलीविजन पे गेम बहुत सारे चल रहे हैं आजकल एसएमएस के द्वारा, तो उस पर भी जो कोई इनकम कमाते हो तो वो भी यहाँ चार्जेबल हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं कैजुअल इनकम। इसको जो बोलते हैं कैजुअल इनकम, व्हाट इज कैजुअल इनकम पूछ लेंगे तो आपको ये सब बताने पड़ेंगे इसके बारे में, ब्रीफ में थोड़ा बता देना, एक शॉर्ट नोट आ सकता है इसके ऊपर सेक्शन 56(2) भी, है ना, ये कर लेना। और फिर आपसे पूछ लेगा कौन कौन से आपके ऐसे इनकम है जो आपके टैक्सेबल नहीं हो पाती इस हेड के अंदर भी, तो इसको हम बोलते हैं एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन या डिडक्शन, यानी कि ये वाली इनकम टैक्सेबल नहीं होगी आपकी हेड के अंदर। कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, देखो इनकम ऑफ चौकरी, कोई जोकर का काम करता है और जो पैसे कमाता है उससे, ठीक है, तो उसको सॉरी जो जोकी लिखा हुआ है, जोकी का मतलब क्या होता है, वो आपका जो होता है घोड़े के ऊपर जो बैठता है, जो घोड़े को दौड़ाता है रेस के अंदर, उसको जॉकी बोलते हैं, है ना। जॉकी की जो इनकम है वो काउंट नहीं होगी क्योंकि वो प्रोफेशनल इनकम है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर इनकम के अंदर काउंट नहीं करेंगे अदर सोर्सेज में, उसे हम काउंट करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जॉकी का मतलब जो घोड़े में बैठ के उसको भगाता है दौड़ लगवाने के लिए। उसके बाद विनिंग फ्रॉम अ मोटर कार रैली, मोटर कार से आपने कोई रैली जीती है ना, तो वो भी जो आपकी इनकम है वो भी मानी जाएगी आपकी नॉर्मल इनकम, क्योंकि जो मोटर रेसर होते हैं उनका काम ही ये होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगी। उसके बाद लॉटरी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, आपने लॉटरी खरीदने के लिए नहीं बेचने के लिए खरीदी थी, ठीक है, अब वो आपकी मान लो बिकी नहीं लग और आपके पास पड़ी रह गई, अनसोल्ड हो गई और आपको लग गया, तो उसको भी हम पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल मानेंगे, ना कि यहाँ पर। आपने खरीदी थी, सॉरी खरीदी नहीं थी, आपकी स्टॉक में रखी थी, आपका काम ही लॉटरी खरीदना बेचना था, वो पड़ी रह गई स्टॉक में आपकी और वो लग गई, तो मजे आ गए आपके, है ना, पर वो काम है आपका बिजनेस है, तो इसलिए इसको हम मानेंगे बिजनेस इनकम ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब कौन से खर्चे जो आपके हैं डिडक्शन हो जाएंगे यहाँ से, है ना, जो खर्चे आपके आएंगे वो भी यहाँ से माइनस होंगे जैसे पहले माइनस हो रहे थे। लेकिन जो बात मेन है इसके अंदर वो क्या बोलता है आपसे, नो डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम सच इनकम इवन इफ सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड एक्सक्लूसिवली एंड होली फॉर अर्निंग सच इनकम। कोई भी खर्चा उस पर आपने किया है वो ये कह रहा है उसको डिडक्शन आपको अलाउड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है।
और 80C से 80E पे डिडक्शन जो हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर के अंदर, वो भी यहाँ से अलाउड नहीं होते, ठीक है। तो ये दो दो ड्रॉबैक है हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के, थोड़े से नेगेटिव पॉइंट है ये कि एक तो कोई खर्चा हमारा होता कमाने में वो भी अलाउड नहीं होता, और दूसरा कोई हमें इस पर डिडक्शन नहीं मिलता। तो ये हम पढ़ेंगे डिडक्शन चैप्टर नंबर 10 में इसके बाद, ठीक है। तो अब नेक्स्ट थिंग, हाउ टू ग्रॉस अप द इनकम, ये आपको थोड़ा समझ में भी शायद पहले नहीं आया होगा। ग्रॉसिंग अप का पहले पहले मतलब समझ लो कि भाई मैंने 100 रुपये कमाए, और जब मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ टैक्स बोलेगा भैया उस पर 30% टैक्स तू काट ले, तो मुझे 70 रुपये देगा वो, तो मैं क्या इनकम शो करूंगा 70 रुपये। अब टैक्स लगेगा 70 रुपये पे, नहीं टैक्स लगेगा 100 रुपये पे। तो 70 से 100 पे जाने को हम बोलते हैं ग्रॉसिंग अप ऑफ इनकम। जब किसी को पैसे मिल रहे हैं, कट के मिल रहे हैं, तो उसको नेट बोलेंगे, है ना। तो नेट मिल रहे हैं तो नेट को ग्रॉस कैसे बनाया जाए, नेट को पूरा कैसे किया जाए, उसको बोलते हैं ग्रॉसिंग अप ऑफ इनकम। कुछ नहीं है, ऐसे परसेंटेज से डिवाइड कर देते हैं, सीधी सी बात है ना। 70 क्या है आपका, 70% है, 70 से डिवाइड कर देंगे, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है यहाँ पे, दैट समटाइम्स इन द प्रॉब्लम लॉटरी इनकम रिसीव्ड इज गिवन रेदर देन लॉटरी इनकम। इनकम नहीं दे रखी, इनकम रिसीव दे रखी है। रिसीव का मतलब क्या है, टैक्स काट के TDS काट देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए इसको हमें ग्रॉसअप करना पड़ता है, वो ये आपको बता रहा है, ठीक है। तो बस ये आपसे बोल रहा है, तो उसको ग्रॉसअप कैसे करते दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट पेज पे। जो मैं आपको ये देखिए, आपके सामने फार्मूला भी आ गया अभी, ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू इनकम रिसीव डिवाइड बाई परसेंटेज। 70% नहीं है ये, परसेंटेज लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू लॉट इनकम रिसीव, जो कम मिली, और डिवाइड बाई वो कितना परसेंटेज मिला आपको। जैसे कि मान लो टैक्स आपका 20% है, तो ये हो जाएगा 80। टैक्स कितना है, 10% है, तो हो जाएगा 90। टैक्स 30% है, तो ये हो जाएगा 70। तो उसे सीधे ध्यान रखना है आपको। तो ये आपकी बात है ग्रॉसिंग करना, ये तो आप अभी उसके बच्चे हो कॉमर्स के, तो आपको आते ही है, ये तो ये सिखाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट और फर्नीचर लेट ऑन हायर। भाई मशीनरी हमारे पास है, प्लांट हमारे पास है, फर्नीचर हमारे पास है, उसको हमने किराए पे दे दिया, और उस इनकम को हमने ट्रीट नहीं किया PGBP के अंदर, ठीक है। हम किराए पे देते हैं, हमारा काम ही धंधा यही है कि हम मशीनरी किराए पे देते हैं, तो उससे जो इनकम होती है, हालांकि वो बिजनेस इनकम है, लेकिन अगर आपने इसको PGBP के अंदर चार्ज नहीं किया तो फिर यहाँ पर चार्जेबल हो जाएगी। तो लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर ऑन हायर इज चार्जेबल अंडर दिस हेड इफ इनकम इज नॉट चार्ज अंडर द अदर हेड। साफ साफ वही बात है कि भाई आपने इसको अगर अपना बिजनेस इनकम में शो किया, तो आप इसको इनकम तो शो करनी पड़ेगी, तो कहाँ शो करोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। बस इसमें सिंपल सी इतनी बात है पूरी कहानी में, ये और कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। चीज़ें अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके सामने, वो है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या, कि रेंट के दो पार्ट हैं, दो चीज़ों से मिल रहा है रेंट। मान लो मैंने आपको अपनी बाइक दे दी, सॉरी गाड़ी दे दी, और ड्राइवर दे दिया, और कहा कि मुझे 10,000 रुपये दे देना, तो वही वो आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, उसके दो पार्ट है, एक तो ड्राइवर की सैलरी और एक आपकी गाड़ी का किराया। तो ऐसे को हम बोलते हैं कंपोजिट रेंट। तो ये बोल रहा है कि अगर आपकी मशीनरी प्लांट और फर्नीचर और हायर दी है अलॉन्ग विद बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग के अंदर मशीनरी रखी है, या बिल्डिंग के अंदर प्लांट लगा रखा है, बिल्डिंग में फर्नीचर रखा हुआ है, आपने बिल्डिंग ही किराए पर दे दी पूरी की पूरी फर्नीचर, तो उसको हम बोले, उससे जो रेंट मिलेगा उसको हम बोलेंगे कंपोजिट रेंट। आपको पता है जो आपको घर मिलते हैं रहने के लिए, वो फर्निश्ड भी मिलते हैं और अनफर्निश्ड भी मिलते हैं। तो फर्निश्ड अकोमोडेशन की यहाँ पे बात हो, जो इनकम होगी वो भी आ जाएगी कंपोजिट रेंट के अंदर, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, उनको बाइफरकेट करना है, उनको क्या करना है, बाइफरकेट करना है, कौन सी इनकम हमारी फर्नीचर से है, कौन सी इनकम घर से है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो फिर यहाँ पर आ जाएंगे हम, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट रेंट। सो इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हम पढ़ चुके हैं। बट इफ लेटिंग इज नॉट सेपरेबल, अगर हम सेपरेट नहीं कर पा रहे मशीनरी को घर से, तो इनकम फ्रॉम सच लेटिंग इज चार्जेबल टू टैक्स अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर हम दोनों को अलग नहीं कर पा रहे, डिवीजन नहीं कर पा रहे उनका, तो यहाँ पर टैक्स लगा देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। अब वो कह रहा है नोट करो एक बात, क्या बात नोट करो, अगर हम सिर्फ बिल्डिंग के किराए को हम टैक्सेबल मान रहे हैं, तो वो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। ये बात बोल रहा है कि अगर आप खाली इतना मानते हो कि भाई इनकम जो है मेन इनकम आपकी बिल्डिंग से हो रही है, किराए से, बाकी फर्नीचर तो कोई यूज नहीं करता, बेकार खड़ारा फर्नीचर है, तो अगर ऐसा है तो सारी इनकम चार्ज हो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के, ना कि यहाँ पर, ठीक है। सेकंड थिंग, मेयर नॉलेज ऑफ रेंट चार्ज इज असेट, ठीक है, डज नॉट मेक इट सेपरेट अनलेस एंड अंटिल द प्रॉपर्टी इज सेपरेटली रिलेटेबल। ये बोल रहा है कि आपको पता है कि हम चीजों को किराए पे दे देंगे, अलग अलग किराए पे दे देंगे, किराया इतना इतना मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम उसको अदर अदर हेड के अंदर टैक्स नहीं लगाएंगे जब तक कि हमें ये
पता हो क्लियर कि वो भैया एक चीज पे कितना किराया मिलेगा, बोल रहा है अनलेस एंड अंटिल द प्रॉपर्टी सेपरेटिवली लेटेबल, यानी या फर्नीचर को अलग से किराए पे दे सकते हो और अपनी बिल्डिंग को अलग से किराए पे दे सकते हो। जब तक ऐसा नहीं है जब तक हम उसको कंपोजिट रेंट मानेंगे। अगर हम दोनों को किराए पे अलग दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो उसको अलग अलग हेडिंग में चार्ज कर लेंगे, वरना उसको हम मानेंगे कंपोजिट रेंट और लगाएंगे रेंट इन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाली सॉरी अदर अदर सोर्सेज के अंदर उस पर लगा देंगे टैक्स। तो अगर आप उसकी इनकम को सेपरेट कर सकते हो, यानी कि प्लांट की इनकम को या फर्नीचर की इनकम को हाउस की इनकम से, तो ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो आपकी इनकम इसी हेड के अंदर चार्जेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसका पूरे कहानी का सिंपल सा क्रक्स यही है कि जो आपकी दो प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है और आप उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो इसी में काउंट हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में और किसी हेड में नहीं। अब छोटी छोटी बातें, कौन कौन सा डिडक्शन हमारे को अलाउड है, कौन कौन सा डिडक्शन हमारे को अलाउड है जो हम काटने के लिए तैयार है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो पहला है करंट रिपेयर्स, अगर आपकी कोई बिल्डिंग है या मशीनरी है, खर्चा जो रिपेयर पे हुआ वो उसको आप अलाउड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इंश्योरेंस करा रखा है तो वो भी आपको खर्चा माना जाएगा, वो भी आपको अलाउड कर दिया जाएगा। अब मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन भी होगा उसके ऊपर, वो भी आपको अलाउड है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, लिखा हुआ है सेक्शन 32, ये पढ़ रखा है हमने। एनी अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर होली एंड एस्पेशली फॉर अर्निंग सच इनकम, उस इनकम को कमाने के लिए कोई भी खर्चा किया है वो सारा आपको अलाउड है, जैसे कि रिपेयर, जैसे कि इंश्योरेंस, जैसे कि डेप्रिसिएशन, ये सारे एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं। लेकिन वैसे मज़ेदार पढ़ने में चैप्टर है आपका। तो हम चल रहे हैं मेन, पहला क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल और वो हम करेंगे फैमिली पेंशन के ऊपर, और आप देखेंगे कितना आसान है। फैमिली पेंशन मीन्स अ रेगुलर मंथली अमाउंट पेबल बाय द एम्प्लॉई टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉई। कोई एम्प्लॉई था कहीं पर, वो उसकी डेथ हो गई, अब उसकी डेथ के बाद वो पैसे उसके फैमिली मेंबर यानी कि उसकी बीवी को, बच्चों को, किसी को मिल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे फैमिली पेंशन, ना कि पेंशन। पेंशन मिलती है एम्प्लॉई को और फैमिली पेंशन मिलती है एम्प्लॉई के घर वालों को, यानी कि मरने के बाद। तो ऐसी कोई इनकम है उसको हम बोलेंगे फैमिली पेंशन, और वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। अब उसमें से आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको रिडक्शन, सेक्शन 57(2)(a). क्या मिलता है डिडक्शन? वो क्या बोलता है कि भैया आपको उस इनकम में से दो चीज़ें अलाउड है पर आपको मिलेगी एक ही, या तो आप 15,000 रुपये का छूट ले लो या उस इनकम का 1/3 निकाल लो। ठीक है, मान लो मेरी इनकम 45,000 है तो मुझे 15,000 की छूट मिलेगी या तो, ठीक है, या फिर 1/3 मिलेगा। तो मान लो इसको मैं कर देता हूँ 48,000, इसका निकालते हैं 1/3, तो 16,000, या तो इनकम का 1/3 यानी 16,000 या 15,000, जो कम हो। टैक्स वाले बहुत चालू होते हैं तो कम वाला अमाउंट ही लेते हैं, तो कम कौन सा है, 15,000। तो ये है आपका कहने का मतलब कि आपको पेंशन से भी, जैसे सैलरी वाला अलाउड था 40,000 रुपये का डिडक्शन, यहाँ भी अलाउड है डिडक्शन, वो है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है 15,000, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, तो बस उसके बाद रिलीफ के बारे में बात कर रहे हैं। रिलीफ मिलती है, क्या रिलीफ मिलती है देख लो। रिलीफ इज अवेलेबल ऑन एरियाज ऑफ फैमिली पेंशन, जो आपको पेंशन बाद में मिली है बाय द मेंबर ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉई एज इन केस ऑफ एरियर्स ऑफ एडवांस ऑफ सैलरी। जैसे कि एडवांस सैलरी में हमें रिलीफ मिलती है, ऐसे ही रिलीफ हमें यहाँ मिलेगी। और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसका आराम से इसके बाद। अब जो मेन पॉइंट समझने का है वो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, कि लमसम पेमेंट मिली है किसी को, ठीक है, विडो को या उसके लीगल हायर को, तो लमसम इनकम को हम पेंशन नहीं बोलते, ठीक है, उसको बोलते कंपनसेशन। तो लमसम इनकम किसी को मिलती है तो उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, एक्स ग्रेशिया पेमेंट मेड टू द विडो ऑफ अदर लीगल हायर, ठीक है, हु डाइज, ये पेमेंट भी ऐसी होती है, वन टाइम पेमेंट होती है, जो पेमेंट वन टाइम है उनको पेंशन कभी नहीं बोलते। पेंशन क्या, आपका हर मंथ मिलती रहती है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, इसको हम पेंशन नहीं मानेंगे। इनका कहने का बस सिंपल सा, इन दोनों लाइन का इतना मतलब है। तो अब एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं जो कि बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन सामने है आपके, सुंदर डाई, सुंदर एक एम्प्लॉई है, वो मर गया। जब मर गया, मैं बताया जब मर गया तब मिलती है फैमिली पेंशन, जिंदा है तो मिलेगी पेंशन। कब मरा? 31 जुलाई को। इसका मतलब साफ साफ है कि हमें जब अब जो टैक्स लगा रहे हैं तो इनकम जुलाई के बाद मिलेगी उस पर, जुलाई से पहले वाली इनकम जो है वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में जाती है। तो यहाँ पर जुलाई के बाद जो पैसे मिलेंगे उसको हम टैक्स लगाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एज फैमिली पेंशन। वाइल्ड बींग इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ रूल्स गवर्नेंस सर्विसेज, हिज विडो इज टू रिसीव अ फैमिली पेंशन ऑफ 10,000। जो काम की बात है वो बोल रहा है कि उसकी जो विधवा है, ठीक है, उसकी वाइफ है यानी कि, उसको 1,000 रुपये पर मंथ की मिलेगी पेंशन, और साथ में मिलेगा DNS अलाउंस 40% का, यानी कि 10,000 की तो पेंशन हो गई उसकी, और उसका 40% यानी कि 4,000 उसको मिलेंगे 14,000 रुपये हर महीने। ये उसकी हो गई फैमिली पेंशन 14,000 रुपये एक महीने की, ठीक है। तो जुलाई में उसकी डेथ हो गई तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने आपके पास हो गए, तो
तो 8 महीने की आपको मिल रही है पेंशन, और वो मिल रही है 14,000। इस लाइनों का सिंपल सा मतलब इतना आया तक जो क्वेश्चन के लिए हमारी बात है, 14,000 रुपये मिले इसको 8 महीने, ठीक है। स्टेट वेयर द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन इज असेसेबल इन हर हैंड, पहले तो आपसे पूछा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपका बोलना है हाँ जी देना पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। पूछा इफ सो तो अंडर व्हाट हेड ऑफ इनकम, तो बता दिया मैंने आपको हाँ जी देना पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, बता दिया उसको हमने। अब कह रहा है इसको निकालो कितना मिलेगा उसको, और क्या कोई इस पर डिडक्शन मिलेगा, क्या कोई डिडक्शन मिलेगा, हाँ जी मिलेगा, 15,000 रुपये तक मिलेगा, 15 तक मिलेगा, 15 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर तो क्लियर हो गए आपके कि हाँ जी मिलेगा, और वो कितना है आपका, 15,000 से ज़्यादा नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले समझ क्वेश्चन दोबारा चाहूँ सुन लो एक बार दोबारा से। सुंदर जी की डेथ हो गई 31 जुलाई को, और उनकी वाइफ को मिल रही है पेंशन 10,000 रुपये महीने की, और 40% डीए भी मिल रहा है, यानी कि 14,000 रुपये हर महीने मिल रहे हैं उसको जुलाई के बाद से, जुलाई के बाद से यानी कि बाद के जो 8 महीने हैं उसमें उसको 14,000 रुपये मिले। अब पूछते हैं कि इस पर टैक्स लगेगा, हाँ जी लगेगा। फिर पूछते हैं कौन सी हेड में लगेगा, तो उसका आंसर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 2 नंबर पक्के हो गए हमारे। फिर पूछेगा उस पर टैक्स लगाओ, तो टैक्स लगा दोगे। कह रहा है डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ जी डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा, 57(2)(b) के हिसाब से कितना मिलेगा आपको, 1/3 ऑफ द इनकम, और 15,000 जो भी कम हो इनकम का, 1/3 या 15,000 जो भी कम है वो आपको मिल जाएगा डिडक्शन। तो आप करते हैं कैलकुलेट फटाफट से, ठीक है। तो पहला काम कितनी इनकम हुई, 14,000 × 8, ये रहा देखो 10,000 रुपये आपको पेंशन और 4,000 रुपये आपका डीए, 40% लिखा है ना, 40%, तो 10,000 का 40%, 4,000, तो सब मिला के हो गए 14,000। और क्योंकि वो डेथ हुई थी उसकी कब हुई थी, जुलाई में, तो अगस्त से उसको मिलेगी पेंशन और मार्च तक मिलेगी, तो ये 8 महीने हो गए आपके। तो 14,000 × 8, 1,12,000 रुपये, ये है आपका पहला अमाउंट जो इनकम हो रही है, उसको बोलेंगे फैमिली पेंशन। ये टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, और आपको पता है 57(2)(b) के अंदर इसको मिलेगा डिडक्शन, वो क्या है, 1/3 ऑफ द इनकम, यानी कि इस 1,12,000 का 1/3 जो आया 37,333, 37,333, या फिर 15,000, विच एवर इज लोअर, इन दोनों में जो कम होगा, इनकम का 1/3 या 15,000 जो भी कम हो, मतलब मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगा 15 का मिलेगा, उससे कम का मिल सकता है, ज़्यादा का नहीं। तो इस केस में 1/3 आपका आया 37,300, तो ये तो ज़्यादा आ गया, तो कम का मिलेगा, कम का मतलब 15,000 मिलेगा आपको। तो सिर्फ 15,000 की आपको मिली रिबेट, या इसको हम बोलेंगे एग्जम्पशन, 15,000 की मिल गई आपको, तो 1,12,000 में से 15,000 कम कर दिए, 97,000 रुपीज़, ये है आपकी इनकम, ठीक है। टैक्स निकालना मैंने आपको सिखाया नहीं है, सिखाऊंगा आपको, वैसे आपको पता हो 2,50,000 रुपये तक की इनकम पे कोई टैक्सेबल टैक्स नहीं है, तो ये सब बात की बात करेंगे, ये सब बात की बात है, अभी कल सिखाएंगे आपको। फिलहाल अभी इतना ही इस क्वेश्चन में कि भैया उसकी इनकम थी 14,000 रुपये, ठीक है, 10,000 की इनकम, 4,000 डीए, 14,000, 8 महीने मिली, तो 1,12,000 कमा लिए उसने, उसमें से डिडक्शन क्या मिलता है, 1/3 मिलता है, या तो इनकम का या 15,000 जो भी कम हो, तो 15,000 कम है, 15,000 कम कर दिए, 97,000 रुपये टैक्सेबल इनकम हो गई। हालांकि 97,000 रुपये टैक्सेबल नहीं है, 2,50,000 रुपये तक की इनकम पे कोई टैक्स लगता नहीं है। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था आपका, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।